लाठी गोली बंदूक बारूद और क्या क्या है, लो हम सब छात्र आ गए हैं बताएं इंतजाम क्या क्या है, लो हम सब छात्र आ गए हैं बताएं इंतजाम क्या क्या है। हमें तो कभी जब हम रांची इंटर किए तो हमें तो लगा कि आज हम अंग्रेजों के काल में प्रवेश कर गए हैं। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उस समय भी इतना पुलिस नहीं लगा था जितना आज रांची में लगा हुआ। आप ही तो कहे थे मैनिफेस्टो में था कि हमारी सरकार बनेगी तो 1932 के आधार पर खतियान बनाएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, स्थानीय के बाद नियोजन नीति बनाएंगे और उसके आधार पर हम लोग हर साल वैकेंसी लेंगे जिसमें से हर साल 2 JPSC के एग्जाम लेंगे। आप ही तो किए थे, आप ही तो वादा किए थे। मान लीजिए सरकार अगर हम 25 साल में नौकरी करने वाले थे और 35 साल में नौकरी करेंगे तो ये मानव संसाधन बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये सरकार हमारा 10 साल लौटा पाएगी? नहीं लौटा पाएगी। मोतीलाल जी, पूर्ण कार्यक्रम है फिर भी देख रहे हैं काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की। हमें तो कभी जब हम रांची इंटर किए तो हमें तो लगा कि आज हम अंग्रेजों के काल में प्रवेश कर गए हैं। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उस समय भी इतना पुलिस नहीं लगा था जितना आज रांची में लगा हुआ है। जितना भी चौक चौराहा देखिए सब में पुलिस बैठा हुआ है, लेडीज कांस्टेबल के साथ में DSP SP सारे 4-4 DSP को लगाया गया। अरे हम आतंकवादी हैं, हमारे पास बंदूक है, बारूद है, गोली है, कुछ है नहीं है, फिर किस लिए? आप ही तो कहे थे मैनिफेस्टो में था कि हमारी सरकार बनेगी तो 1932 के आधार पर खतियान बनाएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, स्थानीय के बाद नियोजन नीति बनाएंगे और उसके आधार पर हम लोग हर साल वैकेंसी लेंगे जिसमें से हर साल 2 JPSC के एग्जाम लेंगे। आप ही तो किए थे, आप ही तो वादा किए थे। और जो 3.5 लाख पोस्ट है उसको हम भरेंगे, क्या हुआ आपका आधा टाइट टाइट फीस हो गया 3.5 लाख में? आप क्या किए? ना तो 1932 के आधार पर खतियान पास करवाए, ना नियोजन नीति बनाया, ऊपर से उलूल जुलूल नीति 60-40 का नीति ले आए, ये कहाँ का नीति है? आप ही तो कह रहे थे कि हम जो 11-13 जिला का जो नियोजन नीति का उसको खारिज करके हम 9 राज्यों के नियोजन नीति का स्टडी कर रहे हैं और इससे बेहतर नियोजन नीति बनाएंगे। आप कौन सा आपका IAS था जो काट के चश्मा लेकर नियोजन नीति को बना रहा था, जो मैट्रिक इंटर का नियोजन नीति बना दिया जो के बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया? 2 साल किसका बर्बाद हुआ? इस युवा पीढ़ी का बर्बाद हुआ। मान लीजिए सरकार अगर हम 25 साल में नौकरी करने वाले थे और 35 साल में नौकरी करेंगे तो ये मानव संसाधन बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये सरकार हमारा 10 साल लौटा पाएगी? नहीं लौटा पाएगी। जितना हमारा परिवार का वृद्धि होता, जितना हमारा समाज का प्रगति होता, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक बार समय चला बजाने के बाद जीवन का क्या सरकार लौटा पाएगी? नहीं लौटा पाएगी। तो सरकार को सोचना चाहिए था, एकदम कोशिश है। तो इसीलिए हम कहते हैं लाठी गोली बंदूक बारूद और क्या क्या है, लाठी गोली बंदूक बारूद और क्या क्या है, लो हम सब छात्र आ गए हैं बताएं इंतजाम क्या क्या है, लो हम सब छात्र आ गए हैं बताएं इंतजाम क्या क्या है। कब तक? जब तक हम दरकेंगे हम टूटेंगे, हम चिटकेंगे हम बिखरेंगे, हम दरकेंगे हम टूटेंगे हम चिटकेंगे हम बिखरेंगे। इस मिट्टी से जन्म लिए, इस मिट्टी में मिल जाएंगे, पर अपना हक अधिकार से कभी समझौता नहीं करेंगे जब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक हमारा 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं मिल जाता और जब तक हमारा 3.5 लाख वैकेंसी जो खाली है वो हमारा भर नहीं दिया जाता, हम झारखंडियों से नहीं भर दिया जाता, तब तक एकदम जाएंगे, किसी भी कीमत पर जाएंगे, चाहे गोली चले, चाहे बंदूक चले, चाहे बारूद चले, हम जाएंगे चारों तरफ बैरिकेडिंग, एकदम जाएंगे हम। वहाँ भी जो विधानसभा घेरा था वहाँ भी रबर का गोली चला था, आंसू गैस चला था, लाठी चला था, डंडा चला था, पत्थर भी लोग पुलिस मारा था और ऊपर में हमको लोग का आरोप लगा दिया था। गए थे कि नहीं? हमारा माथा फटा था लेकिन गए थे, यहाँ भी जाएंगे। हम ऐसे भी कहते हैं कि हम राड सभ्यता के, राड संस्कृति के, राड माटी के, राड वंशज के राड लोग हैं। यहाँ लाठी डंडा तो क्या हसुआ परसा भी हमारे फीट में टूट जाएगा, लेकिन हाँ हमारे खून से अगर हमारा खून अगर हमारे माथे से बहा तो हम ये वादा करते हैं कि हम आपकी कुर्सी के कालीन से 2024 में पहुँचेंगे। जैसे खून बह चुका है, हाँ ऐसे रघुवर दास हमारी खून बहाई थी, यही मोराबादी का मैदान है, 6ठा JPSC में हमारा दोस्त मानस रंजन साहू को गोली लगा था। हम लोग उस टाइम भी बोले थे कि ये सरकार जितना तानाशाही कर रही है और हमारा खून बहाने का काम कर रही है, हम 2019 में इसका इसे कुर्सी के कालीन से हम लोग अपना खून को पहुंचेंगे। देखिए 2019 में रघुवर दास की सरकार को गिरा के हम लोग 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार को लाया था। 2019 के कार्यक्रम के बाद अगर सरकार नहीं चेपती है क्या कीजिएगा आगे? आगे भी इसी तरह का नया रणनीति बनाएगा, नया प्लान बनेगा और सभी मुख्यमंत्री जो विधायक है उनका आवास घेरने का काम करने का, उसको नाकाबंदी करने का काम करेंगे।